नट बंद हो गए। जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज है हमारी अंकिता का बर्थडे, तो भाई उसका बर्थडे अच्छे तरह सेलिब्रेट करना है हमें। तो हम सोच रहे हैं भाई उसका कॉलेज में केक कट करवा के फिर हमारे यहाँ जयपुर में बहुत फेमस मंदिर है गोविंद देव जी का, तो वहाँ चलना। और आजकल क्या फाग, आज और कल फाग चल रहा है, तो वहाँ होली खेली जाती है मंदिर के अंदर। सबको पता है भाई वृंदावन में होली कैसी खेली जाती है, तो वैसी ही कुछ, इतना बड़ा तो नहीं लेकिन कुछ वैसी ही तरीके होली यहाँ पे खेली जाती है। भाई बहुत मज़ा आने वाला है उसके बर्थडे के दिन आज, तो आप भी वीडियो में बने रहें। तब तक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नए हो तो, और वीडियो में अंत तक बन रहना भाई, आपको मज़ा आएगा होली हमारे मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन देखने में भी और वहाँ की होली देखने में भी। ठीक है, तो अभी कॉलेज चलते हैं अपन सीधा और मिलते हैं सबसे। ये हमारी बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे अंकिता। और ये हमारे जतिन भी आज आया खास स्पेशली अंकिता के लिए बर्थडे में। और उज्ज्वल, तेरे तरीके से जो भी तेरा ब्रिटिश एशियन जो भी है विश कर दे। अंकिता विश कर रहा है तेरे को ब्रिटिश में। मैं वैसे अंकिता को पहले विश कर चुका हूँ, कल भी कर चुका हूँ, सुबह भी कर दिया, आज फिर कर रहा हूँ, लेकिन अलग तरीके से, अलग तरीके से। अच्छा, हाँ आज सुबह मैंने कर दिया, मैं फिर कर रहा हूँ। मैं अंकिता को उसके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँ। अच्छा, अपने हिंदी में? हाँ, लेकिन प्राउड करना चाहिए भाई, अपन हिंदी है। ठीक है, बाहर में गए ब्रिटिश। हाँ ठीक है ठीक है। कृष्ण भगवान की कृपा छाया बनी रहे हमेशा और आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। हाँ तो बात ऐसी है, ये आ चुकी है, मैं आ चुका, उज्ज्वल आ चुका, जतिन आ चुका, सिर्फ दो मेंबर बच रहे हैं, शेफाली और आरजू। आरजू वैसे कॉलेज आई है लेकिन मंदिर, वो क्या मंदिर नहीं जाते ना, इसलिए वो मंदिर नहीं जा रही हमारे साथ। हम पहले गोविंद देव जी चलेंगे, जैसे कि आपको कल वाली वीडियो में बताया था, और हाँ तो वहाँ दर्शन वर्शन करेंगे, थोड़ी होली खेलेंगे, उसके बाद वहाँ से आके फिर इसका केक कट करेंगे। ठीक है, कल बताया था पहले केक कट करेंगे फिर, तो अब थोड़ा प्लान में चेंज हो गया, क्योंकि एक घंटे में पट बंद होने वाला है, 12 बजने वाले, इसलिए तो पहले सीधा पर वहाँ चलेंगे उसके बाद ही आएंगे। ठीक है, और आज हम कॉलेज का कुछ नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हाँ भाई, अंकिता का बर्थडे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है यार, तो शेफाली आ गई और हम सब जा रहे हैं अब। कहाँ जा रहे हैं? गोविंद देव जी, साथ में बोलो, साथ में राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हाँ जी, हम जा रहे हैं गोविंद देव जी वहाँ पर, आज वहाँ वहाँ के दर्शन आपको भी करवाएंगे। और हम, मैं, जतिन तू पहले गया है? मैं नहीं गया भाई। नहीं, मैं भी नहीं। तू भी नहीं गया? कई उम्र हो गई, मैं भी बहुत नहीं। भाई मैं भी नहीं गया, तो मैं भी पहली बार ही देखूंगा इसके बर्थडे के सहारे। और आज क्या है? आज फाग महोत्सव, तो होली खेलेंगे ना वहाँ पे, हल्का हल्का गुलाल लगा लेंगे। गुलाल से ये ली जाती है गोविंद देव जी में, वैसे भी होली। हाँ तो भाई सीधा चलते हैं आपको वहाँ लेके। ये है गोविंद देव जी के बाहर का दृश्य, अभी इधर के साइड है, अंदर के साइड चलेंगे। ये इसके आसपास की जो जगह है, दुकानें वगैरह सारी है ये। और ये हमारा जतिन जो आज मूछे वूछे कटवा के आया, कटिंग वटिंग करवा के आया, तो अभी चलेंगे अपन सीधा अंदर। तो बैग तो रख देंगे कहीं पे? कहाँ, कहीं पे कहाँ, नॉर्मल डे के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही भीड़ है इधर, और दिन इतनी भीड़ नहीं होती क्योंकि आज फाग है ना, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा भीड़ हो रखी है, लेकिन बढ़िया है भाई, सुकून शांति अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे लोगों को देखकर सबके गुलाल वगैरह लग रखे हैं, ये इसका मेन गेट है, दिखा देता हूँ अगर, ये इसका मेन गेट है, यहीं से एंटर करेंगे अपन गोविंद देव जी के ही। पहले सुनो ये अंकिता, चप्पल खोलते आ जा, यहाँ नहीं खुलती, फिर चल स्टैंड। अच्छा और आगे है क्या अभी तक मंदिर? अच्छा अच्छा, मंदिर को यह है, अभी प्रांगण है। अब मंदिर बहुत अंदर है यार, ये सड़क से तो बहुत अंदर है। उस ई रिक्शे वाले को बोला था ना? हाँ। बोला अंदर तक छोड़ूंगा, अंदर तक छोड़ा भी नहीं, कहाँ भाई। तो यहाँ ई रिक्शा आता है क्या, पागल है क्या? राधे राधे भाई, राधे 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 राधे, ओए होए, शांति सुकून, कितना प्यारा माहौल है भाई साहब। तो हमारी बर्थडे गर्ल के साथ हम आ जाए गोविंद देव जी,
और नॉर्मल लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल लोग क्या नॉर्मल हमेशा भीड़ रहती है पे, किसी नॉर्मल दिनों से ज्यादा हमेशा रहती है। शाम के टाइम तुम अभी शाम के नहीं दिन के टाइम आप फाल चल रहा है कुछ ज्यादा ही नॉर्मल दिनों से ज्यादा भीड़ है। चलो राधे गोविंद की जय। चलो भाई साहब ये खाटू श्याम जी से खेरे में गया हूँ लेकिन भाई वहाँ की तो अलग ही, आज के दिन भी वहाँ पे बहुत कुछ होता है वो भी इन्हीं का, मतलब एक ही जब देखा जाए तो सारे एक ही खाटू श्याम जी और गोविंद देव जी एक ही बात है बार बार। लेकिन नाम से तो उनके नाम से जाने जाते हैं कृष्ण जी के नाम से ही, उन्होंने तो सब उन्हीं ने तो वरदान दिया था कि तुम्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाएंगे कि पूजा जाएगा। हाँ वैसे तो वो दोस्त करके बैठे थे भाई बरीक जी, तो भाई हम कर लेते दर्शन मंदिर का, ये ऐसा मंदिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो सामने आपको महल दिखाई दे रहा है महल है सवाई जयसिंह का, और यहाँ पर है ये सीधा मंदिर गोविंद देव जी का, और आरती यहाँ पे शुरू हो चुकी है, बहुत देर से चल रही है आरती। और दूसरी बात ये कि इस महल की एक बहुत अच्छी खासियत है जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि जिस हिसाब से इसका आर्किटेक्चर बनाया है, जैसे रानी जो थी राजा की सवाई जयसिंह राजा की जो रानी थी, उन्होंने मतलब अपने वो इस तरीके से डिज़ाइन करवाया कि जब वो अपने कमरे में रहती थी अपने कक्ष में रहती थी तो वहाँ से खिड़की में से सीधा यहाँ गोविंद देव जी के दर्शन होते थे, इस तरीके का ये डिज़ाइन किया गया था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा अच्छे से ये महल और सामने ये बिल्कुल मंदिर। प्यारा माहौल लग रहा है भाई साहब यहाँ का यार, मतलब मैं इस मंदिर से ना डेली रोज़ इसी के आगे से जाता था लेकिन कभी आया नहीं, और अब महसूस हो रहा है भाई मैंने कॉलेज लाइफ में जितनी बार भी आया हूँ ना बहुत कुछ मिस कर दिया, मेरे को आना चाहिए था हफ्ते में एक बार तो आना चाहिए था। इतना शानदार जगह है यार, आते ही मतलब लोग झूम रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं आरती का क्या बोलते हैं आरती का मज़े ले रहे हैं, मतलब टू गुड यार, शानदार मस्त लगा। कृष्ण की भक्ति में लीन है सब, और कृष्ण के रंग में रंग रहे हैं, देखो हम भी रंग रहे हैं, हम भी रंगे हुए देख लो, हम क्या ही बोले भाई, मज़ा आ गया। आपको बताना भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं हो रहा था, बस ये कि हाँ भाई जो यहाँ पे आरती चल रही है उसमें खो जाए, जो नाच रहे उनमें खो जाए, जो पूजा वगैरह चल रही है उनमें खो जाए, शानदार। फट बंद हो गए बैग गिर गया। अंकिता जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, आप भी आए, अभी कल भी है परसों भी है, दो दिन और है होली तक, तो
और ये हमारे पता नहीं इसको क्या हो रहा है यार, कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं लगा पता नहीं। देवदास। और क्योंकि ये दुपट्टा इसके पास था नहीं इसलिए ऐसे लगा रखा है, तो ऐसे ना समझे कि ऐसे हम ऐसे कैसे दिखे। लेकिन सच में भाई बहुत आनंद, परम आनंद, परम सुख यहाँ आने के बाद। नृत्य किया हम सबने, डांस किया, डांस देखा आपने, मगन पूरी मगन नहीं देखा, पूरी मगन, पूरी मगन, पूरी मगन, पूरी मीरा, पूरी मगन, मीरा पूरी। राधे राधे, कृष्ण सखियों का आपको राधे राधे।